अक्टूबर गांधी जयंती के दिन कोरोना के कुल मामले 21 सामने आए हैं, जिनमें 7 महिला 14 पुरुष शामिल हैं। सभी लोकल ट्रेवलिंग व अपने कार्यस्थल से संक्रमित बताए जा रहे हैं। इनमें से 1 स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, 2 रेलवे विभाग से संबंधित, 5 गृहिणी, 1 लेबर, 2 प्राइवेट जॉब कर्मी, 2 छात्र से संबंधित बताए जा रहे हैं। जनपद चंदौली में चकिया के 2, चंदौली ब्लॉक के 2, नियामताबाद के 2, डीडीयू नगर के 14 रहने वाले बताए जाते हैं। इसके अलावा साहबगंज में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। चंदौली जनपद में कोरोना वायरस का कुल केस 3232 हो गया है, जिनमें एक्टिव केसों की संख्या में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। एक्टिव केस अब सिर्फ 288 बचे हैं, वहीं 2912 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। चंदौली जनपद में कोरोना से अब तक 32 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। तो चंदौली जनपद का यह आंकड़ा है आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन का। तो चंदौली में जो है आज कुल 978 नमूने को भी संग्रहित किया गया है। आज 33 व्यक्ति जो है वह कोरोना वायरस से एलुअल हॉस्पिटल L2 हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। जनता जनार्दन।